व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज करके क्या करता है कि डिलीट कर देता है, तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ जाते हैं कि ये व्हाट्सएप पे क्या मैसेज किया था, क्या फोटो भेजा था, कैसे इसको हम देख सकते हैं। तो सिंपली आज के जो वीडियो आज की इस वीडियो में आपको बताना हो, उसके बाद से आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी अगर आपकी व्हाट्सएप पे मैसेज करके कुछ ऐसे जैसे कि आप देख सकते कुछ इस प्रकार से मैसेज करके उधर से डिलीट कर देता है, एवरीवन डिलीट करता है, तो उसके बाद भी डिलीट करने के बाद भी आप इस मैसेज को इजीली आप देख सकते हो। तो बस आपको इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने, फोन को होम स्क्रीन पे आ जाने। फोन को होम स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पे आपको विदाउट एनी ऐप के भी बताऊंगा और यहाँ पे एप्लीकेशन के थ्रू भी आपको दोनों तरीका यहाँ पे बताना हो बस एक ही वीडियो में। तो सिंपली आप विदाउट एनी ऐप के अगर आप कोई भी मैसेज जो है उसको अगर देखना चाहते हैं जैसे कि डिलीट करता है सामने वाला बंदा, तो सिंपली आपको क्या करना है कि आप अपने फ़ोन के सेटिंग में जाना। फ़ोन के सेटिंग में आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है या फिर आपको स्क्रॉल डाउन करके आना है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, या फिर आप केवल और केवल नोटिफिकेशन भी सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा सेटिंग। सिंपली आपको ये वाला जो सेटिंग दिखाई दे इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सबसे ऊपर में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे मोर सेटिंग्स का, तो यहाँ पे जो मोर सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिलता है। सबसे नीचे में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्टोरी का, आपको नोटिफिकेशन हिस्टोरी का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्या करना है कि इसको इनेबल कर देना है। इसको इनेबल करने के बाद यहाँ से आपको सिंपली बैक हो जाना है। बैक होने के बाद आपको रजिस्टर पेज से इसको आपको हटा देना है। यहाँ से हटाने के बाद जैसे कि ये मेरा व्हाट्सएप है और यहाँ पे मेरा एक जो है सेकंड व्हाट्सएप है, सिंपली मैं इस व्हाट्सएप से उस व्हाट्सएप पे मैसेज करूँगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते मैं यहाँ से कोई भी क्या करता हूँ कि यहाँ से जैसे कुछ है यहाँ पे इसको मैं मैसेज करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ इस मैसेज को यहाँ से मैं फिर से इसको मैं एवरीवन डिलीट करता हूँ, डिलीट करता हूँ, या फिर हो गया कोई फोटो हो गया, मैं इस कोई फोटो हो गया उस फोटो को मैं यहाँ से क्या करता हूँ उस व्हाट्सएप पर मैं सेंड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं फोटो भी सेंड करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि फोटो यहाँ पे दिखाई दे रहा है नहीं, तो सिंपली आपको क्या करना है कि इसको आपको यहाँ से एवरीवन डिलीट करता हूँ। एवरीवन डिलीट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ से बैक होना है। यहाँ पे जैसे ही मैं अपने व्हाट्सएप में आता हूँ तो यहाँ पे व्हाट्सएप पे देखने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे जस्ट यहाँ पे जो मैसेज आया है तीनों चारों सब मैसेज यहाँ से क्या हुआ है कि डिलीट हो चुका है, एवरीवन डिलीट हो चुका है। तो आपको घबराने की बात नहीं, सिंपली आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में जाना है, फिर से आपको वही प्रोसेस करना है जो प्रोसेस मैं यहाँ पे आपको बताया हूँ। बस आपको सिंपली यहाँ से क्लिक करके आपको जहाँ पे गए थे वहीं पे आपको आ जाना। सिंपली आपको मोड सेटिंग पे क्लिक, यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते कि यहाँ पे जो भी मैंने मैसेज यहाँ पे सेंड किया था वो मैसेज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे फोटो आया था वो फोटो देखने को नहीं मिलेगा, बाकी यहाँ पे जो भी मैसेज आएंगे वो मैसेज आपको यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे इजीली आप विदाउट किसी ऐप के यहाँ पे डिलीट किए हुए मैसेज को आप इजीली देख सकते हैं। दूसरा तरीका है कि अगर आप चाहते हो जैसे कि आपके व्हाट्सएप है नॉर्मल व्हाट्सएप है उस पर आपको कोई मैसेज करता है और डिलीट करता है, तो आपका क्या होता है कि यहाँ से व्हाट्सएप मैसेज आपको क्या होता है कि वहाँ से डिलीट हो जाता है। सिंपली यहाँ से जैसे कि मैं यहाँ पे मैसेज करता हूँ अपने इस दूसरे व्हाट्सएप पे मैं मैसेज यहाँ से करता हूँ, मैसेज इसको करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है इन सभी मैसेज को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ से मैंने मैसेज किया और यहाँ से एवरीवन डिलीट कर दिया। फिर मैं यहाँ से कोई एक फ़ोटो सेंड करता हूँ दूसरे व्हाट्सएप पे, यहाँ से कोई भी है फोटो सेंड करता हूँ। फोटो सेंड करने के बाद इस फोटो को मैं सेंड करने के बाद फिर यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ कि यहाँ से इसको एवरीवन डिलीट करता हूँ। तो ऐसे फोटो अगर है उसको मैं एवरीवन डिलीट करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि जीबी व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ। जैसे ही यहाँ पे जीबी व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सब डिलीट हो चुका है। यहाँ पे डिलीट का आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे फोटो वीडियो कुछ भी हो यहाँ पे आपको अगर कोई डिलीट भी कर देता है तो यहाँ से ये फोटो वीडियो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से अगर आपको जैसे कि अगर व्हाट्सएप चैट जो भी कुछ भी है अगर कुछ भी अगर डिलीट करता है फिर भी आप देख सकते हैं, तो आप उसके लिए आपको जैसे कि फोटो वीडियो सब कुछ अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप जीबी व्हाट्सएप या फिर एफएम व्हाट्सएप या फिर आप फोर्ट व्हाट्सएप ये सब व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं। अन्यथा आपको जैसे कि अगर नॉर्मल व्हाट्सएप यूज करना उस पर कोई मैसेज करके डिलीट करना है तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन आता है, उस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें अगर आप बैकअप लगा देंगे उसके बाद से कोई भी फोटो वीडियो करेगा उसको भी डिलीट करेगा तो उसके बाद से उसको भी आप देख सकते। कुछ ये तरीका है जिसको आप यूज करके अगर आपके व्हाट्सएप पे कोई मैसेज करके मैसेज डिलीट कर देता है तो उस मैसेज को आप देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी, आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।